डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच फ्रॉम द बुक पैक्ट विद द सन। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं। विजय सिंह एक रेसलर है और वो जो है फेमस रेसलर है और कभी भी जो है वो हारा नहीं है, इतना जो है स्ट्रांग है या फेमस है। बट जो उसकी एक जो कह सकते हैं कि एक हैबिट होती है ना बच्चों, कईयों की होती है कि बहुत बोस्टिंग करना, बहुत जो है बढ़ा चढ़ा के किसी बात को बोलना, शेखी मारना कि अरे मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो सेम जो है विजय सिंह की भी जो है एक बैड हैबिट थी। और क्या थी कि यही जो है वो, और एक दिन इसी के वजह से जो है उन्होंने सब जो है उनके फ्रेंड्स बैठे थे या यंग मैन बैठे थे उनके चारों तरफ, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई मेरी विश है कि आई वांट टू मीट अ घोस्ट और उसे फाइट करना चाहता हूँ, ये मेरी विश है, राइट। अब किसी ने वहां बोला कि हाँ भाई एक हॉन्टेड डेजर्ट है और कहाँ पे है ये, 10 miles किस रोड में है, ऑन द वेस्ट ऑफ द वेस्ट ऑन द रोड जैसलमेर की रोड पे। बट जो उसके कुछ जो है चाहने वाले होते हैं, गुड विशेस होते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं इट इज ट्रू। जैसे उसने कहा अरे सब लोग जो है घोस्ट से डरते हैं बट मैं नहीं डरता, राइट। तो उन्होंने कहा जो गुड विशेस थे उन्होंने कहा नहीं भाई इट इज ट्रू, और उसने जो है उसका उन्होंने नहीं माना। और वन डे जो है जैसे ही वो वहां पे गए तो एक जो है जब जाने लगे तो सारे विलेज के लोग जैसे जो है फेयरवेल के लिए वहां पे आए उनको, बट जो है वहां पे एक लेडी थी ओल्ड वुमेन, उन्होंने उनको क्या दिया, एक एग और लंप ऑफ सॉल्ट। अब क्या उससे फायदा होता है उनको या क्यों दिया उस लेडी ने, एक्सपीरियंस लेडी थी, लेट्स सी इन द स्टोरी चैप्टर। तो जो ये हम ऑलरेडी जो है डिस्कस, तो फर्स्ट पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया था। सेकंड पार्ट था विजय सिंह जो है किसने से घोस्ट को ढूंढने के लिए कहां चले गए थे, ही वेंट टू फाइंड अ घोस्ट इन द हॉन्टेड डेजर्ट। सेकंड हमने देखा था कि किसने से एन ओल्ड मैन गेव हिम एन एग एंड द लंप ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा जो है नमक दिया था और एक एग दिया था, राइट। विजय सिंह मैटर और किसने से वो एक जो है घोस्ट को मिलते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है बच्चों। एज ही वॉक द नाइट डिपेंड, जैसे ही रात हुई थी और जो है शाम तो थी जब वो गए थे टू फाइंड द घोस्ट इन द हॉन्टेड डेजर्ट, तो जैसे ही रात होने लगी द मून वॉज ब्राइट स्टार शोन क्लियरली इन द राजस्थान, उसी समय उन्हें क्या आवाज सुनाई दी थी, एज ही स्टेप इन टू द हॉन्टेड डेजर्ट ही हर्ड अ नॉइज, ही हर्ड अ साउंड, और क्या साउंड था वो, विजय सिंह विजय सिंह यू विल गेट लॉस्ट इन द डेजर्ट, कम दिस वे आई एम योर फ्रेंड नटवर। तो फ्रेंड का नाम क्या था बच्चों, नटवर। तो उसने कहा विजय सिंह तुम जो है इस डेजर्ट में खो जाओगे, तुम इस रास्ते आ जाओ और मैं जो हूँ कौन हूँ, आई एम योर फ्रेंड नटवर, क्लियर। तो उसने क्या बोला कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ नटवर। एडवांस विजय सिंह रियलाइज, उसी समय उसको रियलाइज हो गया कि ये क्या है, कोई इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड बट अ घोस्ट, क्योंकि उसने सुना था कि वहां पे जो है हॉन्टेड डेजर्ट है और वहां पे घोस्ट जो है रोम करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो एट द सेम टाइम ही रियलाइज कि ही वॉज नॉट हिज फ्रेंड बट अ घोस्ट, ट्राइंग टू साउंड ब्रेव, और उसने जो है डरा नहीं। बच्चों क्या होता है कि अगर डर जाएंगे तो वो मे बी जो है आप पे अटैक करेगा, तो वो डरा नहीं और अपने जो है आवाज को ब्रेव साउंड में उसने बोला, ही कॉल्ड बैक, वेयर आर यू माई डियर नटवर, इट्स डार्क आई कैनॉट सी यू। तो उसने कहा भाई मुझे तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, इट ग्रू डार्क आई कैनॉट सी यू, कम हियर एंड शो मी द वे। उसने कहा तुम इधर आओ और मुझे यहां से जो है रास्ता बताओ, क्योंकि इट इज टू डार्क एंड आई कैनॉट सी यू। लाइक ऑल गुड रेसलर्स विजय सिंह वॉन्टेड टू साइज अप हिज एनिमी। अब क्या होता है बच्चों, अगर रेसलर है कोई भी तो सामने वाले को जज करेगा कि वो कितना स्ट्रांग है, राइट। सून द घोस्ट अपीयर्ड एट हिज साइट, और उसी समय जो है घोस्ट आया और किस तरह से उसने उसको क्या बोला था बच्चों, विजय सिंह पीट इन टू हिज फेस एंड डिक्लेयर्ड यू आर जस्ट अ प्लेन लाइंग घोस्ट, एनी वे नाउ आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट, आई वॉज लॉन्गिंग टू मीट यू। तो उसने कहा तुम तो ऐसे ही है वो, एक वीक जो है लाइंग
क्या हो, एक घोस्ट हो, तो वो डरा नहीं और ऊपर से जो है उसने उसको बोला भाई तुम तो एक जो है कमजोर से क्या हो, घोस्ट हो। और क्योंकि वो रात भर चलना नहीं चाहते थे, दैट इज वाई जो है उसने बोला कि भाई मेरी लॉन्गिंग है, मेरी इच्छा है कि आई वॉन्ट टू मीट अ घोस्ट। नॉट यूज इंसल्ट, द घोस्ट वॉज टेकन अ बैक। पीपल जनरली स्टार्टेड बैक इन हॉरर व्हेन दे मेट हिम। अब जनरली क्या होता है बच्चों, अगर आपके सामने भी कोई घोस्ट आता है तो क्या होता है बच्चों, आप डर के मारे भाग जाएंगे। बट यहाँ पे जो विजय सिंह था ब्रेवली उसको क्या कर रहा था, फेस कर रहा था। तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये घोस्ट है और ये विजय सिंह है रेसलर। दे ऑफन फेंटेड बट हियर वॉज दिस अनफीलिंग क्रिएचर क्लेमिंग ही वॉन्टेड टू मीट अ घोस्ट। अब उसने कहा जनरली क्या होता है लोगों के आगे अगर भूत आ जाता, घोस्ट आ जाता है तो लोग क्या होते हैं, या तो डर के मारे भाग जाएंगे या क्या हो जाएंगे, फेंट हो जाएंगे। बट ये जो है विजय सिंह ये क्या कर रहा है, ही वॉन्टेड टू मीट अ घोस्ट। इट डिडंट मेक सेंस। अब उसके जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों है कि लोग तो मुझे देख के जो है भागते थे, बट विजय सिंह को जो है क्या है, ही वॉन्टेड टू मीट अ घोस्ट। रियली आई डोंट नो Why you long to meet me, the ghost said. अब घोस्ट को लगा कि भाई मुझे नहीं पता कि ये मुझसे क्यों मिलना चाहता है। That proves, said Vijay Singh in a bold voice. अब उसने और स्ट्रॉन्ग से जो है बोला उसे, That's proof, कि अभी प्रूव हो जाएगा। That you are a stupid ghost. फिर से उसने जो है उसको बोलने लगा, तुम तो क्या हो एक मूर्ख, स्टूपिड क्या हो, घोस्ट हो। The least a ghost can do is to read a man's thoughts. कि तुम तो ऐसे ghost हो कि एक जो ghost होते हैं वो क्या करते हैं, एक man के जो है जो भी उनके दिमाग में चल रहा है उनको पता चलता है। But तुम तो क्या हो, you are a stupid ghost. मेरे को इतना भी नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। However, a worthless ghost like you is better than no ghost. तो मैंने कहा तुम जो है क्या हो, एक worthless ghost हो। मतलब उसको जो है इंसल्ट करने में जो है लगे थे विजय सिंह, उन्होंने कहा तुम तो एक वर्थलेस हो, इससे बेटर है कि किसी घोस्ट से ना मिलता मैं, और मेरी यहाँ ये लॉन्गिंग नहीं होती या ये विश नहीं होती टू मीट अ घोस्ट। द फैक्ट इज आई एम टायर्ड ऑफ रेसलिंग विद मैन। अब यहाँ पे विजय सिंह ने बोला कि भाई मैं जो हूँ आदमियों से रेसलिंग कुश्ती करते करते जो है मैं टायर्ड हो गया हूँ, थक गया हूँ, कि मैंने तो इतनी जो है रेसलिंग करी थी मैन से, बट दिस टाइम आई वॉन्ट टू फाइट अ घोस्ट। बट इस समय जो है मैं क्या चाहता हूँ, एक भूत से लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतना ज्यादा टायर्ड हो गया हूँ किससे, ऑफ रेसलिंग विद मैन, दैट्स वाई आई वॉन्ट टू फाइट अ घोस्ट। द घोस्ट वॉज स्पीचलेस। अब क्यों हो गया बच्चों स्पीचलेस, क्योंकि कभी उसने सोचा नहीं था कि मैन जो कि लोग जो है मुझे देख के क्या होते हैं, दे फेंटेड, बट दिस मैन वॉन्ट टू फाइट विद मी, लड़ना चाहता है मुझसे, फाइट करना चाहता है। ही वॉज स्पीचलेस। मार्शलिंग हिज घोस्टली विट्स ही मेड एन अटेम्प्ट टू लुक विजय सिंह स्कॉर्नफुली इन द आई। अब जो घोस्ट होते हैं तो उन्होंने जो अपनी जो है विट्स थी उनकी, मार्शल जो भी आर्ट थी उनकी, ही मेड एन अटेम्प्ट लुक विजय सिंह स्कॉर्नफुली मीन्स कुछ गुस्से में जो है उन्होंने इन द आई। फ्रेंकली ही सेड यू डोंट अपीयर ऑल दैट स्ट्रॉन्ग टू मी, अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव विजय सिंह सेड। अब उन्होंने कहा जरूरी तो नहीं है ना कि सामने, कई बार क्या होता है बच्चों कि हमें लगता है कि सामने वाला जो है वीक है, बट ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं विजय सिंह कि तुम ये मत सोचो कि, मतलब होता है ना कि उसने सोचा भाई मैं तो घोस्ट हूँ और मैं एक ही अटैम्प्ट में इसको जो है हरा दूंगा। टेक योर ओन केस, यू क्लेम टू बी नथवर दो एक्चुअली यू आर ए रास्कल ऑफ ए घोस्ट। तो उसने कहा अपने केस को ही देखो कि तुम बोल रहे थे कि मैं क्या हूं नथवर, राइट, बट तुम क्या निकले, एक रास्कल ऑफ ए घोस्ट निकले। इफ यू डाउट माई स्ट्रेंथ लेट मी गिव यू ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट। तो उसने कहा अगर तुम मुझे जो है अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, राइट, या मेरी स्ट्रेंथ में मेरी ताकत में क्या कर रहे हो,
शक कर रहे हो, डाउट कर रहे हो, तो देखो एक डिमोन्स्ट्रेशन, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो जो क्वेश्चंस हैं, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि विजय सिंह एक रेसलर था और किस तरह से अपनी बोस्टिंग जो है शेखी मारते थे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उन्होंने जो है कई जो है पेपर थे पब्लिक के सामने क्या बोला कि आई वॉन्टेड या आई विश टू फाइट विद द घोस्ट। और किस तरह से वो हॉन्टेड डेजर्ट में जाता है और वहां पे उसे एक घोस्ट मिलता है। अब आगे देखेंगे कि क्या होता है बच्चों, उससे पहले बिफोर दैट वी डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो व्हाट वाज विजय सिंह वीकनेस, विच ऑकवर्ड सिचुएशन डिड इट पुश हिम इनटू, क्या उसकी जो है वीकनेस थी, किसी को पता है बच्चों आंसर, क्या वीकनेस थी उसकी, क्या कमजोरी थी। वैसे तो बहुत स्ट्रांग था, कभी अनबीटेबल जो है रेसलिंग में कभी हारा नहीं था। तो एक वीकनेस थी जिसकी वजह से ऑकवर्ड मीन अनकंफर्टेबल कंडीशन में क्यों पहुंचा था वो, किसी को पता है आंसर बच्चों, क्योंकि उसे क्या है बड़ा चढ़ा के बोस्टिंग करने की आदत थी। तो शीज वीकनेस, और आप यहां से भी लिख सकते हैं विजय सिंह वीकनेस वॉज बोस्टिंग। आप में से भी कई बच्चे होंगे ना, जब लड़ाई होती होगी, अरे मैं होता तो मैं ये करता, बट जब आगे ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो हमें क्या अपने माइंड से काम करना चाहिए। अभी देखेंगे कि विजय सिंह ने क्या कहा जब घोष से उसकी फाइटिंग होती है, राइट। तो विजय सिंह की वीकनेस क्या थी, कमजोरी। वीकनेस क्या होता है बच्चों, कमजोरी। तो विजय सिंह की कमजोरी क्या थी, बोस्टिंग। ही वॉज पुश्ड टू लैंड ऑन ए हॉन्टेड डेजर्ट, और इसकी वजह से वो कहां पहुंच गया था, हॉन्टेड डेजर्ट। हॉन्टेड डेजर्ट क्या होता है बच्चों, जहां बहुत सुनसान होता है, बहुत ज्यादा डेजर्ट है, ऑब्वियस है, तो वहां पे क्या होगी, सैंड, राइट। और वहां पे कौन घूमते थे, क्योंकि हॉन्टेड प्लेस थी, सुनसान था, घोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉज द ओल्ड मैन गिव्स टू विजय सिंह एसेंट्री वाई, यस इट वॉज एसेंट्री, क्या था, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता, एक स्पेशल टाइप का था वो, क्योंकि कई बार जब आप लोग कहीं जाते हैं तो कोई देता अंडा और या लंप ऑफ सॉल्ट, ऑब्वियस है नहीं देते, तो इट वॉज एसेंट्रिक एन एक्ट एंड अ लंप ऑफ सॉल्ट। तो वो वुमेन, ओल्ड वुमेन ने क्या दिया था विजय सिंह को, एक अंडा दिया था और लंप ऑफ सॉल्ट थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन के, व्हाई डिड विजय सिंह आस्क द घोस्ट डिस्गाइज्ड एज नटवर टू कम क्लोजर। अब विजय सिंह ने जो है क्यों बोला था घोस्ट को, नटवर को, टू कम क्लोजर। ही आस्क, या यहाँ पे विजय सिंह भी लिख सकते हैं, विजय सिंह आस्क, अब यहाँ पे क्या आएगा, ईडी लगाएंगे आप। ही आस्क या विजय सिंह आस्क द घोस्ट या हिम या द घोस्ट टू कम क्लोजर बिकॉज एज अ गुड रेस्लर, क्योंकि एक जो अच्छा रेस्लर होगा वो क्या चाहेगा कि वो किसी भी कंडीशन में या किसी भी सिचुएशन में जो है वो फाइट करना चाहेगा। तो एज अ गुड रेस्लर ही वॉन्टेड टू गेस द पावर ऑफ हिज एनिमी, वो चाहता था कि उसकी जो है स्ट्रेंथ देखना चाहता था अपने दुश्मन की, और दुश्मन कौन था बच्चों, घोस्ट नटवर, राइट। व्हाट मेड द घोस्ट स्पीचलेस, अब जो घोस्ट था भूत, वो क्यों स्पीचलेस हो गया था, किस बात को सुन के या क्या चीज देख के जो है वो स्पीचलेस हो गया था, व्हाई। विजय सिंह ब्रेव एंड इंसल्टिंग वर्ड्स, क्योंकि बार बार वो इसको इंसल्ट कर रहा था, यू रास्कल, यू स्टूपिड, राइट। तो इसकी वजह से जो है मेड द घोस्ट स्पीचलेस बिकॉज नो वन, दिस इज योर नो वन एवर स्पोक एंड बिहेव्ड लाइक दैट विद हिम, क्योंकि इससे पहले किसी ने उनके साथ जो है इतनी बदतमीजी नहीं करी थी, मिसबिहेव नहीं किया था लाइक दैट विद हिम, जैसे विजय सिंह ने करा था, क्योंकि बार बार वो जो है उसको इंसल्ट कर रहा था, और इवन उसको लगता था कि अगर घोस्ट को देखते हैं कोई भी तो इधर या वो फेंटेड हो जाते हैं या दे रैन भाग जाते, तो उसे लगा, तो इन बातों से जो है ही वॉज स्पीचलेस, राइट। तो क्या आंसर, विजय सिंह ब्रेव एंड इंसल्टिंग वर्ड्स मेड द घोस्ट स्पीचलेस बिकॉज नो वन एवर स्पोक एंड इट बिहेव लाइक दैट विथ हिम,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड विजय सिंह से अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव. अब क्यों बोला था कि विजय सिंह सेड सो टू स्केयर द घोस्ट, क्योंकि वो चाहता था घोस्ट को सामने वाले को डराना, राइट, कि जिससे वो डर जाए. क्लियर. तो ये आपके जो है फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन थे जो हमने अभी डिस्कस करे हैं. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. अब देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंड. विजय सिंह डिमॉन्स्ट्रेटेड स्ट्रेंथ बाय क्रशिंग व्हाट द घोस्ट थॉट वाज अ पीस ऑफ रॉक. अब यहाँ पे बच्चे देखेंगे कि क्या जो ओल्ड वुमेन ने उसको अंडा दिया था एग और एक जो है लंप ऑफ सॉल्ट, क्या वो उसके काम आते हैं? क्यों उसे जो है एक्सपीरियंस ओल्ड लेडी ने उसको ये दिया था, राइट, पैकेट दिया था. लेट्स सी. अब जो है विजय सिंह ने जैसे बोला था कि भैया देखो, लेट्स सी द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ माई स्ट्रेंथ. तो विजय सिंह ने क्या करा, डिमॉन्स्ट्रेटेड इज अ स्ट्रेंथ बाय क्रशिंग. क्रशिंग मीन्स कि एक रॉक को उसने क्या करा था, पीस ऑफ रॉक को क्रश. व्हाट द घोस्ट थॉट वाज अ पीस ऑफ रॉक, क्या वो पीस ऑफ रॉक था जिसको उसने क्रश करा था. सेकंड पॉइंट है, द घोस्ट अवॉइडेड रेसलिंग बाउट विद विजय सिंह बट डिसाइडेड टू कॉन्कर हिम थ्रू चीटिंग. अब यहाँ पे घोस्ट ने क्या सोचा था कि अवॉइडिंग रेसलिंग या विजय सिंह, बट डिसाइडेड टू कॉन्कर की जीत करेंगे कैसे, थ्रू चीटिंग करके. He invited Vijay Singh to be his guest for the night. और क्या चीटिंग करने की कोशिश कर रही उसने, उसके दिमाग में आ रहा था, what he thought. He invited Vijay Singh to be guest for the night. कि आज रात को आप जो है मेरे क्या इन्वाइट करा था गेस्ट. तो दीज पॉइंट, ये थ्री पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, राइट. तो विजय सिंह पिक्ड अप अ पीस ऑफ रॉक. अब उसने क्या करा, विजय सिंह ने अब डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाना था कि कितने इसकी स्ट्रेंथ है. He picked up a piece of rock. अब उसने एक पीस ऑफ रॉक उठाया फ्रॉम द सैंड. किसने उठाया बच्चों, ये विजय सिंह ने, राइट. टेक दिस ही ऑफर टू द घोस्ट. अब उसने जो है क्या बोला घोस्ट को कि इसको पकड़ो. टेक दिस ही ऑफर टू द घोस्ट एंड स्क्वीज इट हार्ड. It's filled with fluid. Fluid क्या होता है जो? Liquid. तो उसने कहा कि squeeze मैंने कि इस rock को क्या करो, हाथ में लो और squeeze करो, निचोड़ो और तब तक निचोड़ो इसको जब तक इसमें से क्या नहीं निकल जाए, fluid, कोई liquid. अब बच्चों आपको भी लग रहा होगा कि rock को कैसे squeeze करेंगे और कैसे उसमें से fluid निकलेगा. Let's see. अब उसने कहा स्क्वीज इट हार्ड, इट इज फिल्ड विद फ्लूइड. सी इफ आई एम रॉन्ग. व्हाइल द घोस्ट ट्राइड टू स्क्वीज द रॉक फर्स्ट विद वन हैंड एंड विद बोथ. अब क्या होता है जब हमसे कोई चीज पिचक नहीं रही, स्क्वीज नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं, दोनों हाथों की जो है स्ट्रेंथ लगाते हैं, ताकत लगाते हैं. तो सेम द घोस्ट ही ट्राइड टू स्क्वीज द रॉक विद बोथ द हैंड. विजय सिंह, अब विजय सिंह क्या था, stealthily took out the egg. अब चुपके से उसने क्या करा, अंडा जो है अपने पॉकेट से निकाल लिया. अब उसने देख लिया था कि जो ओल्ड वुमेन है उसने उसको क्या क्या दिया था, an egg, और क्या दिया था बच्चों, lump of salt. अब उसने जो है नजर बचा के उसकी चुपके से अपनी पॉकेट से वो अंडा निकाल लिया. किसने, विजय सिंह ने. और घोष क्या कर रहा था बच्चों, स्क्वीज कर रहा था रॉक को दोनों हाथों से. ही ट्राई टू स्क्वीज द रॉक विद बोथ हैंड. एट द सेम टाइम विजय सिंह ने क्या करा, ही टुक आउट द एग फ्रॉम हिज पॉकेट. विजय सिंह स्नैच द रॉक. अब विजय सिंह ने कहा भाई ये तुम्हारे बस का नहीं है, उसे स्नैच मैंने छीनना. तो उसने खींच लिया, उसे छीन लिया द रॉक फ्रॉम द घोस्ट And placed it between both hands. अब उसने क्या करा, दोनों हाथों में उसको प्लेस कर दिया, रख दिया. And squeezed. अब उसने क्या करा, स्क्वीज करा. देखो बच्चों यहाँ पे दोनों हाथों के बीच में रखा उसने और उसने क्या करा, स्क्वीज करा.
अब बच्चों क्या निकाला था उसने पॉकेट से अपना? एग। क्या निकाला था? एग को। तो उसने चलाकी से क्या करा, उस एग को उस रॉक के साथ अपने हाथ में रख लिया, राइट, हैंड्स एंड स्क्वीज। अब उसने दोनों हाथों के बीच में क्या रखा, रॉक के पीस को रखा, बोथ हैंड्स एंड स्क्वीज। एट वंस द येलो योक ओस्ट फ्रॉम अराउंड हिज फिंगर्स, उसे माने बाहर निकलना। तो क्या निकलेगा जब हम अंडे को पिछड़ाएंगे बच्चों? ऑब्वियस है, पहले क्या हुआ, येलो योक ओस्ट फ्रॉम अराउंड हिज फिंगर, उसकी फिंगर्स के पास से क्या निकलने लगा, येलो योक। And the crackling of the eggshell created the illusion of the stone being crushed. अब बच्चों यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम अंडे को पिचकाएंगे तो क्या होगा, उसका शेल किसका बना होता है, जो हार्ड कवर था उसका, तो उसके क्रैक होने की आवाज आई, क्रैकिंग। तो उसे क्या लगा उसको कि स्टोन जो है क्रश्ड हो गया और उसमें से क्या निकल रहा है, लिक्विड, राइट। और एक्चुअल में क्या क्रश हो रहा था बच्चों, वो एग अंडा, उसका आउटर जो शेल था वो क्रैक हो रहा था, राइट, और उसके अंदर से क्या निकल रहा था, यो। द गूस वॉज एस्टॉनिश्ड, ही डिडंट नोटिस विजय सिंह बेंडिंग टू क्लीन हिज हैंड्स विथ सैंड एंड डिस्पोजिंग ऑफ द टेल टेल शेल। वो जो घोस्ट था वो इतना ज्यादा सरप्राइज था, शॉक था, कि उसने देखा नहीं कि जो विजय सिंह थे वो क्या कर रहे थे, बैंडिंग टू क्लीन हिज हैंड, अपने सैंड से जो है अपने हैंड्स को क्या कर रहे थे, क्लीन कर रहे थे, एंड डिस्पोजिंग, डिस्पोज कर रहे थे वहां पे, किस चीज को डिस्पोज कर रहे थे, टेल टेल शेल, जो बचा कुचा जो शेल था उसको क्या कर रहे थे, डिस्पोज कर रहे थे इन द सैंड, अपना हाथ जो है वॉश करने के या जो है उसमें रब कर रहे थे, क्लीन कर रहे थे, और उन्होंने उसको डिस्पोज कर दिया। विजय सिंह देन पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक। अब ये तो फेल हो गया घोस्ट, क्योंकि उसने रॉक को क्या करा, स्क्वीज एंड स्क्वीज विद बोथ हैंड्स, बट नॉट सक्सेस। कैसे होता बच्चों, एक पत्थर को कौन स्क्वीज कर सकता है, बट विजय सिंह ने जो है ये करके दिखाया। अब कैसे दिखाया ये आपको क्लियर हो गया ना, क्लियर। नेक्स्ट उसने क्या करा विजय सिंह ने, ही पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक। अब उसने क्या करा, एक दूसरा रॉक उठाया, राइट, एंड गिव इट टू द घोस्ट। फिर अगेन उसने क्या करा, घोस्ट को दिया, क्योंकि ही वॉन्टेड टू शो हिज स्ट्रेंथ टू घोस्ट। उसने दूसरा पत्थर लिया, ही पिक्ड अप द स्टोन, पीस ऑफ स्टोन, एंड गिव इट टू घोस्ट। विदाउट अ वर्ड द घोस्ट टुक इट। अब वो स्पीचलेस हो गया था क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ को देख के। तो विदाउट सेइंग अ वर्ड, विदाउट अ वर्ड द घोस्ट टुक इट, फेल्ट इट एंड पीट एट इट। विजय सिंह पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट टू टेक आउट द लंप ऑफ सॉल्ट। अब उसके पास क्या बचा था, ओल्ड वुमेन ने क्या दिया था, और नमक, इसने वो उसके हाथ में दिया और जो है चुपके से फिर से अपने हाथ जेब में हाथ डाला, into his pocket and take out the lump of salt. This is only a stone, protested the ghost. उसने कहा कि भाई, उसने प्रोटेस्ट करा अपनी बात को भाई मनाने के लिए कि भाई नहीं ये क्या है, this is only a stone and anyway it is too dark to see. Never heard of a ghost who can't see in the dark, remarked Vijay Singh, that is stone Which you hold in your hand contain salt. अब उसने कहा कि भाई ये तो क्या है, एक स्टोन है। अब क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, एंड एनी वन इट इज टू डार्क टू सी, अब बहुत अंधेरा हो रहा था, किसी को जो है दिखाई नहीं दे रहा था। Never heard of a ghost who can't see in the dark, remarked Vijay Singh, that is stone which you hold in your hand. कि जो तुमने क्या है पत्थर हाथ में ले रखा है उसके उसमें क्या है, कंटेन सॉल्ट, नमक। क्रम्बल इट एंड सी। अगेन द घोस्ट ट्राइड, फिर उसने कहा इसको क्रम्बल करो, इसको तोड़ो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, यू विल गेट सॉल्ट।
फिर से यहाँ पे क्या काम करा बच्चों, उसका दिमाग ने काम करा, उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड ने काम किया, किसके, विजय सिंह ने, क्योंकि उसके पास दो चीज थी जो एक्सपीरियंस और लेडी ने दी थी, क्या क्या था वो, एक्ट था, एक्ट को कैसे यूज करना है, ये उसके जो है माइंड ने काम किया है। अगर वो डर जाता और भागता वहां से या फ्राइटेंड हो जाता तो मे बी जो है गोस्ट उसके ऊपर अटैक करता, बट दिस टाइम ही यूज हिज माइंड एंड कैसे यूज करा उसको, ये अभी हमने देखा। तो सेकेंड टाइम उसने क्या करा, ही गेव अ पीस ऑफ स्टोन टू घोस्ट और उसने कहा कि भाई इट कंटेन सॉल्ट, इसको क्रश करो एंड सी। अगेन घोस्ट जो है ही ट्राइड एंड ट्राइड विद बोथ हैंड, अगेन द घोस्ट ट्राइड टू क्रश द स्टोन बट इन वेन। सक्सेस कैसे होगा अगर किसी पत्थर को हाथ से तो कोई नहीं क्रश कर सकता। He handed over the stone to Vijay Singh. अब उसने उस पत्थर को क्या करा, किसको हैंड ओवर कर दिया, विजय सिंह को। तो उसने कहा भाई उनके बस का तो है नहीं ये, कि उसने बहुत ट्राइड करा, ट्राइड एंड ट्राइड बट इन वेन। He handed that piece of stone to Vijay Singh. The ghost was now beginning to doubt his ghostly past. अब यहाँ पे क्या बोला, देखो बच्चों, the ghost was now, अब वो जो घोस्ट था उसको भी अपनी जो है घोस्टली पास में भी डाउट होने लगा, बिगनिंग टू डाउट हिज घोस्टली पास। तो उसने कहा मैं एक घोस्ट हूं और मैं जो नहीं कर पा रहा हूं वो कौन कर रहा है, विजय सिंह। तो उसका जो है शक अपनी पास पे, घोस्टली पास पे क्या हुआ, शुरू हो गया शक करना, उसने अपने ऊपर शक करने लगा कि मेरी पास कहां गई जो इतनी स्ट्रांग पास थी मैन, क्योंकि ऑब्वियस है क्या है, वो एक घोस्ट है। तो क्या हुआ बच्चों, द घोस्ट वॉज नाउ अपने आप में जो है बिगनिंग टू डाउट हिज घोस्टली पास। अब देखते हैं बच्चों क्या होता है कि दोनों बार जो है वो अनसक्सेस हुआ है, एक बार जो है पत्थर को क्रश करने में, बट हमने देखा कि किस तरह से विजय सिंह ने जो है क्लेवरली जो है अंडे को क्रश करके उसको दिखाया कि किस तरह से उसने पत्थर से क्या निकाला है, फ्लूइड, राइट। सेकेंड टाइम ही गेव अ पीस ऑफ स्टोन टू घोस्ट, उसने क्या करा, ही ट्राइड टू क्रश दैट स्टोन बट इन वेन, ही हैंडेड दैट पीस ऑफ स्टोन टू विजय सिंह और अपने ही घोस्टली पास पे उसे क्या होने लगा, डाउट। लेट सी व्हाट हैपेंड। तो यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं आप, ये घोस्ट है और ये कौन है, विजय सिंह। कौन है ये, विजय सिंह रेस्टलर, और रात का टाइम है, नाइट टाइम है, मून दिखाई दे रहे, स्टार्स दिखाई दे रहे, और ये जो है क्या कर रहा है, एक को स्क्वीज्ड, राइट, और ऐसा शो कर रहा है कि क्या स्क्वीज कर रहा था, वो स्टोन, पीस ऑफ स्टोन। आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी वर्दी अपोनेंट। तो उसने कहा कि भाई मुझे दिख रहा है कि तुम जो है सही अपोनेंट नहीं हो, वर्दी अपोनेंट नहीं हो। व्हाट्स द यूज ऑफ रेसलिंग विद अ वीकलिंग होम आई कैन फ्लोर इन अ मिनट। अब विजय सिंह ने कहा भाई ऐसे लड़ाई करने से, ऐसी रेसलिंग से कोई फायदा नहीं कि सामने वाले को मैं एक मिनट में जो है किसमें डाल दूंगा, फ्लोर में डाल दूंगा। तो ऐसी फाइटिंग में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई मेरे को जो है, राइट, यू आर टू वीक, तुम तो इतने कमजोर हो कि एक पत्थर को जो है तुमने स्क्वीज नहीं करा जो मैंने करके दिखाया। तो आई कैन सी दैट यू आर गोइंग टू बी वर्थी अपोनेंट। उसने कहा इससे कोई फायदा नहीं है आपसे रेसलिंग करने से, घोस्ट से, इतने वीक हो तुम। हुम आई कैन फ्लोर इन अ मिनट, जिसको मैं एक सेकेंड में जो है फ्लोर में डाल दूंगा। सो सेइंग विजय सिंह कैजुअली क्रम्बल्ड द लंप ऑफ सॉल्ट एंड लेट द स्टोन ड्रॉप इन द डार्कनेस। अब अंधेरे में जो है उसको भूत को भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, इसका फायदा किसने उठाया, विजय सिंह। उसने क्या करा, अरे भाई उसको जो है बहुत ज्यादा जो है डाउन करा, उसको बहुत ज्यादा उसकी इंसल्ट कर दी कि भाई मेरे को जो है इतने वीक अपोनेंट से जो है रेसलिंग नहीं करनी, जिसको मैं एक सेकेंड में जो है गिरा दूंगा। और उसने उसी समय जो है इतना कह के चुपके से वो ड्रॉप करा पत्थर अपने हाथ से और
सॉल्ट को क्या कर, क्रम्बल द लंप ऑफ सॉल्ट एंड लेट द स्टोन ड्रॉप इन द डार्कनेस, अंधेरे में उस पत्थर को गिरा दिया उसने सैंड में, क्योंकि सैंड में गिरेगा तो ऑब्वियस है कोई साउंड नहीं आएगा, राइट right? तो उसने जो है लंप जो चुपके से निकाला था क्लेवरली, ही टुक आउट द सॉल्ट फ्रॉम हिज पॉकेट, तो उसने पत्थर गिराया और उसमें सॉल्ट दिखाया, ही हेल्ड आउट हिज हैंड एंड कमांडेड द घोस्ट, अब उसने जो है कि भाई देखो तुम्हें मैंने एक पत्थर दिया था और तुमने जो है उसमें से सॉल्ट नहीं निकाला, और मैंने जो है ही हेल्ड आउट हिज हैंड एंड कमांडेड द घोस्ट, अब क्या कमांड करा घोस्ट को, टू टेस्ट द पाउडर स्टोन, तो उसने कहा आप जो है तुम इस पाउडर्ड स्टोन को, क्या बच्चों वो स्टोन का क्रश था या पाउडर फ्रॉम द स्टोन था, तो बच्चों इसमें थोड़ा सा जो है आप लोग ध्यान से देखे कि वो पाउडर जो है स्टोन नहीं था, क्या था वो एक्चुअल में लंप ऑफ सॉल्ट जो किसने दिया था, एंड ओल्ड लेडी गेव हिम, तो उसने क्या करा कि उसमें ड्रॉप को अपनी क्लेवरली जो है ड्रॉप करा, किसको, पत्थर को नीचे गिराया और उसको बोला और कमांड करके बोला टू टेस्ट अ पाउडर स्टोन, कि जो पत्थर जो तुम्हें क्रश करने के लिए दिया था अब देखो इसको मैंने पाउडर फॉर्म में लाया हूं, प्लीज टेस्ट इट, इसको टेस्ट करके बताओ, मिसमराइज्ड विद द पहलवान्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ द घोस्ट डिड एज ही वाज टोल्ड, अब जो है उसको थोड़ा सा जो है मेस्मराइज द पहलवान्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ, अब उसकी स्ट्रेंथ को देख के जो है, क्योंकि एक पत्थर को जो एक घोस्ट नहीं कर पाया और इवन उसे अपनी स्ट्रेंथ में जो है डाउट हो रहा था, द घोस्ट डिड एज ही वाज टोल्ड, अलार्म शॉट थ्रू हिम, दिस मैन कुड इजीली वैंक्विश हिम इन अ रेस्लिंग अबाउट रेस्लिंग बाउट इन द डार्क, बट परहैप्स ही कुड बी ट्रिक्ड, तो उसे अब थोड़ा सा लगने लगा कि हाँ भाई ये जो पहलवान है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसे थोड़ा सा डाउट होने लगा कि मे बी ये जो है मुझे जो है हरा सकता है, बट परहैप्स ही कुड बी ट्रिक्ड इन अनदर वेज, एज्यूमिंग ए सर्वाइव मैनर द घोस्ट सेड फ्रेंड विजय सिंह, इट इज अ ऑनर टू मीट अ मैन, अब उसको जो है पूरा डाउट हो गया था कि भाई इसकी जो है स्ट्रेंथ पे कोई शक नहीं है, राइट, परंतु उसने जो है क्योंकि हार मानना नहीं था, उसने कहा मैं भी कोई ट्रिक करता हूं, तो उसने क्या बोला, फ्रेंड विजय सिंह इट इज ऑनर टू मीट अ मैन, कि ये बहुत खुशी की बात है कि मैं जो है एक मैन से मिल रहा हूं, लाइक यू आई एडमिट टू बींग डिफीटेड, और मैं जो है एक्सेप्ट कर रहा हूं अपनी हार को, बट वेर विल यू गो टू नाइट, पर अब रात हो गई है मैं हार मान रहा हूं, अब तुम रात को कहां जाओगे, रेस्ट इन माई हाउस, अब तुम ऐसा करो रात को कहां जाओगे और मैं जो है एक्सेप्ट कर रहा हूं अपनी डिफीट को अपनी हार को, बट वेयर विल यू गो टू नाइट, रेस्ट इन माई हाउस, यू कैन लीव टुमारो, तो उसने कहा रात को तुम कहां जाओगे और मैंने तो अपनी हार मान ली और ये मेरे लिए ऑनर है टू मीट अ मैन लाइक यू, यू कैन लीव टुमारो, अब तुम जो है कल अपने घर चले जाना, आज मेरे घर में रेस्ट करो, अब वो भी चला के कर रहा था कौन, घोस्ट, क्योंकि उसे जो है स्ट्रेंथ जो है पूरा विश्वास हो गया था कि ही वॉज टू स्ट्रांग देन हिम, कि मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसने क्या ट्रिक करी, उसने कहा भाई फ्रेंडशिप करने के लिए उसने क्या बोला कि भाई विजय सिंह इट इज माई ऑनर टू मीट यू, मीट अ मैन लाइक यू, और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं अपनी डिफीट को, बट टू नाइट जो है आपको क्या करना है, रेस्ट इन माई हाउस एंड लीव द हाउस एंड लीव टुमारो फॉर योर हाउस, नाउ थॉरली इलेटेड विजय सिंह रिप्लाइड आई कैन नॉट रिफ्यूज योर हॉस्पिटैलिटी बट टुमारो यू विल गो विद मी एज माई प्रिजनर, अब जो है विजय सिंह भी बहुत स्ट्रांग था, उसने देखा कि भाई ये जो है क्या हो गया, हार मान ली इसने, तो उसने कहा ठीक है आई कैन नॉट
रिफ्यूज योर हॉस्पिटैलिटी, कि जो तुम इतना आदर सत्कार कर रहे हो हॉस्पिटैलिटी, तो उसको मैं रिफ्यूज नहीं कर सकता, आई कैन नॉट रिफ्यूज। बट एक उसने ऐड करा उसमें कि कल क्या करना है, टुमारो यू विल गो विद मी एज माई प्रिजनर, कल जो है तुम्हें मेरे राह क्या है प्रिजनर बन के मेरे साथ कहाँ जाना है, मेरे घर में। वो सैन विजय सिंह सैटू घोस्ट, उसने कहा ठीक है आई कैन नॉट रिफ्यूज योर हॉस्पिटैलिटी, तुम्हारी जो इतने आदर से बोल रहे हो तुम, बट मेरी एक शर्त है, और क्या है कि टुमारो यू विल गो विद मी एज माई प्रिजनर, मेरा जो है प्रिजनर बन के जाओगे, आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल, कि मैं जो है अपने लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ, डिस्प्ले करना चाहता हूँ अपनी जीत की ट्रॉफी। क्योंकि ऐसे अगर विजय सिंह बोलता कि भाई मैंने जो है आई डिफीटेड अ घोस्ट, तो क्या कोई बिलीव करता बच्चों? ऑब्वियस है कोई नहीं बिलीव करता कि भाई एक घोस्ट को तुमने डिफीट करा है। अगर आप भी किसी को बोलोगे कि भाई आई डिफीटेड अ घोस्ट, तो कोई बिलीव करेगा? ऑब्वियसली इट इज नो। तो उसने कहा भाई आई वॉन्ट टू डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल। द घोस्ट वोट इन एग्रीमेंट बट साइलेंटली वोट टू किल विजय सिंह इन द नाइट। उसने जो है चुपचाप जो है बोर्ड द एग्रीमेंट जो एक्सेप्ट कर लिया उसका एग्रीमेंट, वट एवर विजय सिंह सेड टू हिम उसने कर लिया, बट साइलेंटली अंदर ही अंदर क्या उसने करा, वो एक संकल्प ले लिया कि भाई मैं क्या करूंगा टू किल विजय सिंह इन द नाइट, कि रात को जैसे ये मेरा गेस्ट बन के आएगा और मैं क्या करूंगा इसको मार दूंगा। बट क्या शो करा बच्चों उसने, उसने एक्सेप्ट करा द एग्रीमेंट, किसने करा था, विजय सिंह ने, कि भाई कल तुम्हें कहाँ जाना है, मेरे साथ मेरे घर जाना है एज अ प्रिजनर, एंड आई वॉन्ट टू शो द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल टू माई विलेजर्स, राइट। तो सामने उसने कहा हाँ भाई ठीक है, राइट। बट अंदर ही अंदर क्या चल रहा था, उसका ट्रिक कर रहा था, वो भी चलाकी से जो है उसको मारना चाहता था, क्योंकि वो भी हार मानने वाला नहीं था, बट शो कर रहा था, प्रिटेंड कर रहा था कि भाई हाँ भाई मैं हार गया, राइट। तो विजय सिंह इन द नाइट ही लेट हिम टू हिज हाउस इन द केव। अब कहाँ ले गया उसको वो, एक उसका घर कहाँ था, केव में था, एक गुफा में था, राइट। तो बच्चों अभी हमने सेकंड पार्ट में क्या देखा कि किस तरह से रेस्लर ने विजय सिंह ने उसको जो है अपने ट्रिक से अपने क्लेवरनेस से अपने माइंड को यूज करके किस तरह से उसको डिफीट करा, राइट। अंडे का एग का जो उसकी वुमेन जो एक ओल्ड वुमेन गिव हिम दिया था उनको, उसको कैसे उसने यूज करा टू डिफीट अ घोस्ट, राइट, ए लंप ऑफ सॉल्ट एंड एग, राइट। बट अब घोस्ट क्या प्लानिंग कर रहा है ये अभी आपने पढ़ लिया, क्लियर। तो नेक्स्ट पार्ट में थर्ड पार्ट इसका, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, टू पार्ट्स वी कंप्लीटेड। थर्ड पार्ट में देखेंगे बच्चों व्हाट हैपेंड, कि क्या वो उसको मारता है या नहीं मारता है। तो बच्चों रीड द चैप्टर एट होम, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।